साथियों को क्रांतिकारी सबसे जो पंचायत जो पूरा जिला जो जिले के किसान जो बड़े बुजुर्ग दुखी करने पड़े वो केवल एक ही मुद्दा था। आखिरकार टिकैत और चढ़ूनी ग्रुप के बीच पिछले कई दिनों से चली आ रही खींचतान आज खत्म हुई। पानीपत में बैठक कर दोनों गुटों के बीच सहमति बनी कि सर छोटूराम जयंती के अवसर पर अजय चौटाला को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित नहीं किया जाएगा। बैठक में फैसला लिया गया कि कार्यक्रम में कोई भी बीजेपी और जेजेपी का नेता शिरकत नहीं करेगा। आज केवल पानीपत जिले ही नहीं पूरे हरियाणा की समस्त किसान हितैषी भावनाओं का किसान सरदारों के लिए बहुत खुशी की खबर है कि जो पिछले 2-3 दिन से घटनाक्रम जो चला हुआ था किसान भवन में दीनबंधु छोटूराम की जयंती पे जेजेपी के संस्थापक अजय चौटाला को बुलाने का, उसके बारे में लोगों का विरोध था। आज पूरे जिले के किसानों ने पंचायत करके सर्वसम्मति से बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अनुशासन के दायरे में रह के सामाजिक सौहार्दपूर्ण आज फैसला लिया है कि आज जो जयंती है 5 फरवरी को उस पर अजय चौटाला को किसान भवन में नहीं बुलाया जाएगा। और इससे अलग एक और पानीपत जिले की जनता ने किसानों ने एक नया कानून आज बनाया है कि आने वाले सालों में भी चाहे कोई भी प्रधान आते रहें किसी भी प्रधान का आगे कोई भी कार्यकाल हो कभी भी यहाँ कोई राजनेता मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ अंदर नहीं बुलाया जाएगा। ये बहुत अच्छा फैसला है। तमाम जिले की जनता जो इस किसान भवन के प्रति अपनी आस्था रखती है और किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए अपनी एकता दिखाने के लिए आज यहाँ पहुँचे, तमाम उन बहादुर वीर किसानों का नौजवानों का दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी पंचायत रही और अच्छा नतीजा निकला और लोगों ने एक बार फिर दोबारा अपने किसानों ने पानीपत जिले के किसानों ने बताया है कि वो किसी भी मुद्दे पर एक हैं और एकजुटता का एहसास। अब किसी को नहीं बुलाने कमेटी के प्रधान और कमेटी तय करेंगी लेकिन कभी भी किसी राजनेता को भविष्य में आने वाले सालों में भी यहाँ नहीं बुलाया जाएगा। किसान नेताओं को बुलाएंगे, समाज सेवियों को बुलाएंगे, सबसे पहले तो जो शहीद किसान जो हुए हैं वो पानीपत के हुए हैं उनके परिजनों को सम्मानित किया जाना चाहिए और बहुत ओजस्वी युवाओं को यहाँ मंचों पे दीनबंधु सर छोटूराम जी की जीवनी के बारे में किसान एकता और नेतृत्व किसान आंदोलन और यूनियनों के बारे में भाषण देने का मौका स्टेज पे यहाँ मिलना चाहिए, ना कि नेताओं की यहाँ राजनीतिक भाषणबाजी सुनी जाएगी। ये बहुत अच्छा फैसला हुआ, तमाम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चढ़ूनी ग्रुप के किसान नेता सुधीर जाखड़ ने बैठक में लिए गए फैसले पर अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आम सहमति के बाद ही ये फैसला लिया गया है कि किसानों के कार्यक्रम में कोई भी राजनीतिक दल के नेता को शामिल नहीं किया जाएगा। बता दें कि पानीपत किसान भवन में हर साल छोटूराम जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस बार भी 5 फरवरी को छोटूराम जयंती किसान भवन में मनाई जाएगी, जिसके चलते इस बार किसान भवन के प्रधान टिकैत ग्रुप सोनू मालपुरिया ने अपने नजदीकी जेजेपी नेता डॉक्टर अजय चौटाला को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बुलाने की घोषणा की थी, जिसका चढ़ूनी ग्रुप और अन्य किसानों ने विरोध जताया था। इसको लेकर आज पानीपत के सभी किसानों द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें फैसला लिया गया कि इस बार जेजेपी नेता को मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं बुलाया जाएगा। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।